मेन एम हूँ एमएसएमई को स्ट्रंग करवा एमएसएमई को केमती फाइनान्स मिल पार आउ गवर्नमेंट रो विभिन्न स्कीम्स को केमती एमएसएमई तार बेनिफिट्स और फायदा नहीं पार आउ मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव को आउ दुई पाद आम आगे नापी एटा आम गोटे एक्चुअली ईस्टर्न इंडिया एमएसएमई मीट करूँ जो थे कि ईस्टर्न इंडिया अराउंड सतटा स्टेट एंटरप्रेन्योर्स मैंने इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात आउ आम ओडिशारु समस्त जिलूर आप विश्वास करेंगे तीसटा जिलूर दुईज तीन जन पाँच जन करके समस्त एटी आस बहुत बहुत कृतज्ञता जनाऊँ से एंटरप्रेन्योर आलोचना एक्चुअली बर्तमान तो इनॉग्रेशन है बर्तमान आलोचना कर इंपैक्ट ऑफ जीएसटी जीएसटी इंपैक्ट कौन रहा एमएसएमई उपर से उपर गोटे आलोचना चक्र अच्छी एमएसएमई ओडिशा और सेन्टर जो दुईटा पॉलिसी अच्छी पॉलिसी उपर कौन कौन तार अच्छी प्रॉब्लम्स अच्छी कौन बेनिफिट्स अच्छी कौटा प्लस पॉइंट्स अच्छी कौटा माइनस पॉइंट्स तरह गोटे डिस्कशन्स अच्छी तापर सेकेंड सेसन में आम रखी इनोवेटिव प्रोडक्शन कले तार मार्केटेबिलिटा केमती हो पार इनोवेशन रो आज दिन में कौन अच्छी मानने मार्केट में कौन कनसेप्ट अच्छी कौन प्रोडक्टिविटी अच्छी से उपर भी गोटे सेमिनार आज कोसिया से ओडिशा रे सेकंड ईस्टर्न ओडिशा ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया एमएसएमई मीट ऑर्गेनाइज करी आमे प्रत्येक जिला रे मध्य जाई करी गोटे उद्योग समस्या समाधान शिविर मध्य ऑर्गेनाइज करूचु स्टेट लेवल रे मध्य ए बढ़िया मीट को मध्य एनकरेज करा जाउची एमएसएमई डिपार्टमेंट आमर ओडिशा सरकार ए भितरे तीनटा पॉलिसी मध्य प्रतिपादित करी नुआ गोटे एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी ओडिशा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी ओडिशा स्टार्टअप पॉलिसी यही पॉलिसी गुड़ी करे एंटरप्रेन्योर मानकु एनकरेज करिबा पाई विभिन्न सुविधा एवं सुजोग्र प्रोविजन अच्छी तार डिटेल्स मध्य एमएसएमई ओडिशा वेबसाइट रे पॉलिसी डाउनलोड करके समस्त एंटरप्रेन्योर्स माने देखि पारिबे एमएसएमई इंडस्ट्रीज तंकर रोल ओडिशा रो ग्रोथ एवं रोजगार जोगा जनरेशन रे बहुत रही एमएसएमई डेवलपमेंट होची आमर राज्य सरकार प्रमुख आभिमुख्य स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद द ओडिशा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिस मीट कमिंग ऑन द क्लोज हील्स ऑफ सक्सेसफुल कंक्लूजन of Make in Odisha Conclave. An Odisha's start of Conclave is viewed with great optimism for the state to showcase the investment opportunities for MSME and the measures taken to encourage local entrepreneurs, talent and entrepreneurship. This meet will be a perfect platform to deliberate the possibilities, opportunities, prospect and emerging challenges in the sector. Here I would like to state that Odisha has already launched a startup policy with a target of making the state home to at least 1,000 startups over the next 5 years. In fact, the policy is envisaged for Odisha to be among the top 3 startup hubs in the country by 2020. I am told that this meet has participation from states like Assam, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, besides Odisha, and they will be deliberating on MSME-related issues of Eastern India. I would like to congratulate the Chamber of Small Industry Association, which is represented in different committees for MSMEs for their endeavor towards the development of this sector, to give away the Entrepreneur Award to encourage entrepreneurship. Similarly, the Odisha Association of Small and Medium Enterprises also deserves appreciation for its relentless effort to support and promote entrepreneurship.